तो सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज वक्त काम। कल मैंने आपको मून चांद के बारे में बताया था और आज सूरज सन के बारे में। बकरा चल रहा है, आवाज़ आ रही है, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। यह है वक्त अम्मा जनरल नॉलेज। किसी भी वर्ड हल्का बदल जाए तो उसको दर गुजर के नोट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपने सूरज सन सलते ताल्लुक इस बाब के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि बुनियादी सिंतों के नाम बयान कर सकें, ये जान सकें कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। स्कूल और घर के मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब की तरफ मौजूद जगहों के नाम बता सकें, साय की बनावट को बयान कर सकें, जान सकें कि साय का रुख और जिसामत वक्त का अंदाज़ा लगाने के इस्तेमाल होते हैं। हमारी कायनात यूनिवर्स इन गणत अज्साम से मिलकर बनी है जिनमें ज़मीन और सूरज भी शामिल हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार ऑर्बिट में घूमती है जिससे मौसम बदलते हैं। ज़मीन अपने महवर एक्सिस में भी गर्दिश करती है जिससे दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है जबकि दूसरे हिस्से में रात होती है, ये भी जानिए। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार ऑर्बिट में एक चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है। चलिए मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार ऑर्बिट में एक चक्कर तकरीबन 365 यानी 365 दिनों में मुकम्मल करती है। नंबर टू, ज़मीन अपने महवर एक्सिस में एक चक्कर तकरीबन 24 यानी 24 आवर्स 24 घंटों में मुकम्मल करती है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। सूरज का तुलू और गुरूब होना सनराइज एंड सनसेट। सूरज मशरिक से तुलू और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है, हकीकत में ये तुलू और गुरूब नहीं होता। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर में मगरिब से मशरिक की जानिब गर्दिश करती है, इस गर्दिश की वजह से हमें सूरज मशरिक से तुलू और मगरिब में गुरूब होता दिखाई देता है। आपको कुछ शो कर बुनियादी सिमतें कार्डिनल डायरेक्शंस। किसी भी जगह या चीज़ का महल वकू मालूम करने के लिए सिम अहम किरदार अदा करती है। बुनियादी सिमतें चार हैं, मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब। हम सूरज की मदद से बुनियादी सिमतों का अंदाज़ा कर सकते हैं। सुबह के वक्त सूरज की जानिब मुँह करके खड़े हो जाएं तो आपके सामने मशरिक और पीछे मगरिब है। आपकी दाएं जानिब जुनूब और बाएं जानिब शुमाल है, ये भी जानिए। सिमतें मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे कुतुब नुमा कहते हैं।
अब आते हैं साया की बनावट यानी फॉर्मेशन ऑफ शेडो। रोशनी की शुआएं अपने माखज़ से सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ चीज़ आ जाए तो रोशनी इसमें से नहीं गुजर सकती। यूँ दूसरी तरफ इस चीज़ का साया बन जाता है। ये साया सिर्फ इसी जगह होता है जहाँ रुकावट की वजह से रोशनी नहीं पहुँच सकती। साये के बनने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। साया हमेशा मुखालिफ सिम में बनता है। साये की शक्ल और जिसामत का इंसार इस बात पर होता है कि रोशनी किस सिम और किस जावी से पड़ रही है। साये की मदद से हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त साया लंबा होता है जबकि दोपहर के वक्त साया छोटा होता है। ये हो गया आज सूरज सन के बारे में। सन सूरज हमने पढ़ा, अच्छा सन सूरज इंग्लिश में सन कहते हैं, उर्दू में सूरज कहते हैं। तो आपको बताइएगा बच्चों कैसी लगी मेरी ये वीडियो, इसको पढ़िएगा समझिएगा। और मैं उनके लिए भी बनाती हूँ जिन्होंने अपनी घरेलू परेशानी की वजह से तालीम हासिल नहीं की है, तो वो भी मेरी वीडियो को देख के पढ़ें समझें। आखिर में मैं वही बात कहती हूँ, सारे इंसानों का सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें। और आखिर में एक और बात कहती हूँ, अपने दिल और दिमाग से असर जुल्म तासुब निकाल दीजिए, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसको बिल्कुल नहीं रखा मेरे दिल दिमाग में असर जुल्म और जो होता है पॉलिटिक्स खेलना, ये सब चीज़ें बहुत बुराइयाँ जन्म लेती है, इससे दुश्मनी पड़ती है। तो कोशिश कीजिए कोई हसद नहीं करें, दिल में तासुब किसी भी नहीं रखें, सब इंसान को इज्जत दें। जिस तरह आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें इसी तरह सारे इंसान चाहते हैं सबकी इज्जत हो। तो सबको इज्जत देना सीखें, रिस्पेक्ट टू एवरीवन। और जानवरों को भी बहुत ख्याल रखें, उस पर जुल्म नहीं करें, उनको खाना पानी दे दिया करें जो आपके बस में है, वो जरूर किया करें। और जिनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ बुरा भी ना, और सबके लिए दुआएँ मांगें। हर इंसान को इज्जत देना सीखें, दूसरों की बुराइयों में नहीं रहें, सबको मैं कह रही सीखूँ कह रही सब इंसानों को इज्जत देना सीखें। इज्जत देंगे इज्जत नजायज नहीं करेंगे तो लड़ाई भी नहीं होगी, इसी में सब मिलजुल कर रहें। ये दुनिया फानी है, हमें इस दुनिया से चले जाना है, तो कोशिश कीजिए लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, उनसे अवॉइड करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जो लोग सब्सक्राइब करके डिलीट कर देते हैं, तो अगर उनको डिलीट ही करना होता है तो सब्सक्राइब ही मत किया करें, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारा भी भला हो जाए। ठीक है, सब्सक्राइब।